एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ पुरानी चीजों को एक नया लुक देंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास ये बेकार सी एक डिब्बी पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से कुछ काम की चीज बनाते हैं। तो मैं इसे बनाऊंगी एक कुमकुमदानी। सबसे पहले मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, इसे मैंने राउंड सा एक शेप बना के इसमें पेस्ट कर लिया है। और इसके ऊपर ये गोल सा शेप भी मैं पेस्ट कर दूंगी। अब मैं पानी से थोड़ा इसे स्मूथ कर लूंगी। ड्राई होने के बाद मैं इसमें एक जेसो का कोट अप्लाई करूंगी। अब हम इसमें कलर करना स्टार्ट करेंगे। मैंने बहुत ही वाइब्रेंट कलर चूज किया है, जैसे रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। अब हम इसे मिरर से डेकोरेट करेंगे। इसके नीचे वाला पोर्शन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें बड़े वाले मिरर चिपका दिए। मिरर लगाने से ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मिरर इसमें पेस्ट करूंगी। ये थोड़े से गोल्डन कलर के मिरर, ये भी मैं इसमें लगा दूंगी। मिरर के साथ मुझे ये स्टोन भी कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे, तो मैं इसे भी आज यूज कर लूंगी। नीचे ये गैप वाला पोर्शन भी मैं मिरर से फिल कर लूंगी। ये छोटे छोटे स्टोन से मैं और भी इसे डेकोरेट कर लूंगी। अब मैं गोल्डन कलर से इसे थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लूंगी। कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो मेरे पास ये बहुत दिनों से एक पुराना सा फोन कवर था, तो मैं आज इसे एक नया लुक दूंगी। सबसे पहले मैं जेसो का एक कोट अप्लाई करूंगी। फिर मैं इसमें कलर करना स्टार्ट करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं इसे एक बोहो लुक दूंगी। बेस कलर ड्राई होने के बाद मैं इसमें रैंडम से ऐसे शेप्स बना लूंगी और डिफरेंट डिफरेंट कलर से। ये मेथड बहुत ही सिंपल और इजी है और इसका फाइनल लुक भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही मैं कुछ रैंडम शेप्स इसमें ड्रॉ करती जाऊंगी। अब मैं ब्लैक कलर को यूज़ करके थोड़े से लीव्स और फ्लावर्स बनाऊंगी। इसमें कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। और ड्राई होने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है।